दोस्तों आज हम टाटा की RX की पिकअप का रिपेयरिंग कैसे करते हैं ये जानेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो गाड़ी जो है चलते चलते एक तरफा जो है झुक जाती है। तो एक तरफा गाड़ी ना झुके, मतलब गाड़ी की अवस्था जो है गाड़ी होती है वो सही रहे, तो जो है दम दिया जाता है ताकि गाड़ी जो है मतलब बराबर उसकी बैलेंस रहे। तो बैलेंसिंग के लिए दम दिया जाता है कमानी का। तो अभी देखते हैं कमानी में दम कैसे देंगे। तो पिछले वाला काम हो चुका है, अभी जो है ये आगे तरफ का कमानी में दम देंगे। तो एक तरफ का हो चुका, अभी लास्ट वाला है, खोल लिया गया है, इसको चेक करके देखिए कैसे दम देते हैं। इससे नाप कर करके देखते हैं, फिर ठुकाई जो करते हैं मतलब बैलेंस करने की थोड़ी पूरी कोशिश करते हैं। चलते चलते कमानी जो होता है तो टेढ़ापन होता है वो सीधा होने लगता है, तो सीधा ना हो उसके लिए दम देते हैं। तो जो सीधा हो वो सही फिर से सही अपनी अवस्था में आ जाए, इसलिए जो है दम जो है दे देते हैं। दम देने का मतलब होता है कि हथौड़ी से ठोक करके उसको फिर वो इतना ही टेढ़ा जितना होना चाहिए उतना करते हैं। तो सभी कमानियों को निकाल करके नापेंगे, देखिए जो गैप बचे बन रहा है ये गैप ना रहे, इसलिए ये ऐसे दम दे दिए, ऐसे ठोक दिए। इससे जो है नाप लेते हैं, ये होता है, ये से नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर लिखे हुए हैं, नाप लेते हैं और धागा लगा करके कमानी में जो है धागा लगा लेते हैं और इसे जो है नाप कर लेते हैं। फिर तो कमानी की रिपेयरिंग जो है ऐसे ही करते हैं। हमारे दोस्तों वीडियो में बन रहे हैं, आगे देखें कैसे रिपेयरिंग पूरी जो पट्टा जो होता है उसकी कैसे रिपेयरिंग करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आपके चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करके वे लाइक जरूर ऑन कर लेंगे कि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। गाड़ी की चाहे कमानी वाला काम हो, चाहे मोटर का काम हो, इंजन का काम हो, कोई भी काम हो हम लेकर आते रहते हैं दोस्तों। ये गाड़ी है टाटा की RX पिकअप। हर कमानी को चेक कर लिया जा रहा है लगा लगा करके, मतलब कमानी को दम देते हैं फिर इसमें चेक करते हैं कि जो कमानी पे दम दिए हैं वो सही उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं, मतलब जो इसकी बड़ी वाली पट्टे की साइज होती है वो पट्टे की साइज के बराबर आया कि नहीं, मतलब उसमें फिट बैठ जाएगा कि नहीं ये देखते हैं, और फिर ऐसे ठोक ठोक करके दम देते रहते हैं ताकि इससे ये हो जाएगा कि गाड़ी की जो बैलेंस है जो चारों चक्कों की वो बराबर हो जाएगी। दोस्तों इसको कमानी बुश बोलते हैं, अगर ये सही रहता है इसको तो चेंज नहीं करते हैं, नहीं तो इसको भी चेंज कर देते हैं। ये बुश जो है सही है, कमानी का जो बुश लगा हुआ है ये बिल्कुल सही है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, खाली दम बस दे देंगे। दम देने के बाद जो है फिर वापस जो है लगा देंगे गाड़ी में, यहाँ पे निकाले वापस यहीं पे लगा देंगे, जैसा निकालते हैं ठीक वैसा ही लगाएंगे। ये दो जैक से उस गाड़ी को उठा कर रखा गया, ये वाला एक हो गया और एक यहाँ पर लगा दिए गए हैं, गाड़ी जो है उठी रहे और काम जो है हो जाए।